अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग अनस्टिच ड्रेस बाय फरहत तालिब अजीज और ये इस कलेक्शन का मोस्ट डिमांडिंग कोड है। लेट्स सी हाउ इट इज। अच्छा जी, ड्रेस क्यों जी, अगर प्राइस देखें तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। 16,000 इज़ अ बिग अमाउंट और उस हिसाब से लॉन का ड्रेस है। नॉर्मली चिकनकारी के इस तरह के बहुत कम प्राइस में ड्रेसेस अवेलेबल होते हैं, बट अगर हम कंपेयर करें मारिया बी से तो ये बहुत खूबसूरत है। एक तो इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है, कलर बहुत खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त नीट है, एटलीस्ट पूरा फ्रंट जो है वो भरा हुआ है। अलबत्त फराह तालिब के सूट्स में भी खासी मेहनत होती है, बट स्टिल उतनी मेहनत नहीं होती जितनी मारिया बी की, क्योंकि मारिया बी में बहुत ज़्यादा पैचेस जो है वो दिए होते हैं। और एक और बात बता दूँ, हमने इसको स्टिच करना है, लेकिन मैं पहले ही बात बता दूँ, अगर हम इसमें सेंटर लेस लगाएंगे तो ये बिला वजह का सी थ्रू हो जाएगा और उसमें फिर हमें लाइनिंग लगानी पड़ी क्योंकि होल्स होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके पैनल्स में सेंटर लेस नहीं लगाएं। उसके बाद दामन पे इसके ऑर्गेंजा डाई होगा और इन्होंने जो है ये जो लेसेस लगाएंगे, जस्ट ये लेस प्रोवाइड की हुई है एक ही तरह की। पिक्चर में दो तरह की, इनफैक्ट एक ही तरह की लेस आ रही है, जिसको इन्होंने दामन पर डबल यूज़ किया है और गले पर भी यूज़ किया है। अब ये हम देखेंगे स्टिच करते वक्त कि दामन पर डबल और गले पर पॉसिबल है कि नहीं है। आई डोंट थिंक के डबल दामन और गला हो पाएगा, बट विल सी और इंशाल्लाह विल शेयर स्टिच वीडियो। उसके बाद ये जो ऑर्गेंजा है ये डाई होगा, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और फिर है इसकी स्लीव्स जो कि खासी खूबसूरत हैं। स्लीव्स के ऊपर जो है ऑर्गेंजा का वर्क है, ये सीधी साइड है, हाँ ऑर्गेंजा का वर्क है, ये सी थ्रू है और लेकिन खूबसूरत इम्प्रेसिव है। और उसके बाद फिर इसका बैक जो है बिल्कुल प्लेन है और फिर इसका ट्राउज़र है काफ़ी खूबसूरत, जकार्ड का ट्राउज़र है, यानी कि सेल्फ प्रिंट है इसके अंदर और कॉटन जो है इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। एंड फिर है इसके बाद इसका सिल्क का दुपट्टा। सो अगर हम देखें जैसे यही वाले प्राइस 10,000-11,000 के एवरी ईयर होते थे और डिज़ाइनर ड्रेस है तो उस हिसाब से फिर ठीक था, लेकिन प्राइस और ये भी जो है हिट कोड है, बहुत ज़्यादा अपने मिल रहा है, तो उस हिसाब से प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की भी नहीं है। बट अगर हम कंपेयर करें अगेन वही बात मारिया बी से, तो उस हिसाब से खूबसूरत है ड्रेस। तो इसका मुझे जो है एटलीस्ट डिसअपॉइंट नहीं हुई मैं, कि मतलब इन्होंने कुछ लेसेस लगाई हुई दुपट्टे के ऊपर, डबल लेसेस लगेंगे, वो सारी डाई करवानी है दुपट्टे के पल्लों पर और ऑर्गेंजा है, उससे उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। बाकी ये है कि एक मसला ये भी है कि ये जो ग्रीन कलर है सब प्योर फैब्रिक है, तो ये मतलब प्योर पर ये कलर डाई होता है या फिर फैक्ट्री डाई से ही आता है, तो ये विल सी के लेसेस जो है वो कितनी सेम डाई हो पाती हैं। इंशाल्लाह विल शेयर स्टिच वन, बट अगेन मैं कहूँगी कि फरहत तालिब का मैंने एक ही ड्रेस अनबॉक्स किया, प्राइस ज़्यादा है, बट अगर एज वी कंपेयर, सॉरी टू से मैं ये तो बात तीसरी बार क्या रिपीट कर रही हूँ कि जो और हमने ब्रांड्स इसी सेम प्राइस के अनबॉक्स किए, तो उस हिसाब से कम ये खूबसूरत है, इम्प्रेसिव है। बाकी आप सबको कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।